पासवान बाबू हेलो, आपकी तरफ से शानदार 11 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप हैं जयराम भगत बाबू, सतौर निवासी। आपकी तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसा मेरे साथ घोर अन्याय क्यों हुआ? अरे अन्याय क्या हुआ? मैंने दुनिया को सताया, हाँ, लेकिन आज तक कोई साधु महात्मा को मैंने पलट करके नजर उठा करके नहीं देखा।
लेकिन मेरे साथ ऐसा साधु महात्मा क्यों अन्याय और जुल्म कर दिया? अरे साधु ना आया था तुम्हारे दरबार, वो गया था भोजन मांगने के लिए, वो भोजन नहीं करते बल्कि तुम्हारे भाभी से और भाई से सत करवाएगा, और उन्होंने कहा तुम अपना भाई को कौर कलेज है वह मुझे भोजन दो, तब तो तुम्हारे दरबार भव्य करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये साधु था कि मेरे लिए जमराज बन करके आया था। वह जमराज बन के आया था, जमराज बन करके। ठीक है माँ, तो आज मैं जमराज से भी मुकाबला करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से वरदान है, तुम वह जमराज को खोज करके उससे भी तुम्हें जान से मार सकते। मैं जैसे आज साधु ने मुझे सदा के लिए नींद से सुला दिया है, मैं भी अपनी माँ जगत जननी की कसम खा करके कहता हूँ, एक भी साधु संत को जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। ठीक है बेटा, तुम जा सकते। काशी में मिले, हरिद्वार में मिले, बद्रीनाथ में मिले, बनारस में मिले, जहाँ भी मिले, मैं एक एक साधु को चुन चुन करके तुम्हारे चरणों में बलिदान देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे अगले बगल में बेटा। लेकिन सुन ले मां, ये खबर मेरे, जब तक मैं साधु संत को बलि नहीं देंगे, तब तक तू मेरे राज महबा में किसी को खबर नहीं करना कि रुदल सिंह जिंदा हो गया। ठीक है, मैं नहीं जा सकती। ठीक है मां, तुम जा सकती। मेरे अगले बगल में बेटा, भूति मिला के रख बहु, मेरे बाया बगल रख बहु, मेरे काली जी कर जा। बेटा रख दू शिविर महाराज के पहला भागा में दुर्गा तैया। वापस लौट करके नहीं जाऊंगा, यहां से जा रहा हूं काशी में खोजेंगे, बनारस में खोजेंगे, हरिद्वार में खोजेंगे, जहां जहां मिलेगा सबको मैं सर काट करके मां दुर्गा के मंदिर में चढ़ाते जाएंगे, एक भी साधु संत को जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे।
रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होने दीजिए। पिया भागे चोर का भाग लई कैसे होना रानी पैया केवर के करान पिया हुआ केजल कहा ही होता है। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिल सिंह जुलुम कर रहा है, अन्याय कर रहा है। नहीं, माहिल सिंह बदला ले रहा है, बदला। जैसे रुदर सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, कितने मां बहन की गोद को सूना कर दिया, कितने मां बहन की मांग की सिंदूर को छीन लिया, क्या उसके साथ ऐसी हरकत नहीं हो सकता? इसीलिए कहा है कि कर्म पर धाना विष करी राखा जो जस कर रही तस फल चाखा। अब मैं यहां से चलता हूं महुआ किला राज, और महुआ किला राज में जाकर के रुदर सिंह तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पता करता हूं कि किस तरह से राज चल रहा है, और उसके बाद आप लोग देखते रहिए क्या सब होता है। हो यहाँ का बरता भैया यहाँ मां छोड़ू, हे तो सुनो आगे का बया।
करे यौ महाबा के ए हो जहां बसे बरकी दुलही न हमार हे हो सारा कुशल कुछ पाई पुतहु से तब तो रहो मन के न जाने हो अबे भाई यही है महबा किला राज। लेकिन दरबार तो यहाँ बिल्कुल उदास लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, बड़ी दुल्हन को बुलाते हैं। पुता हूँ है ये सुनियो ते नैना बाली है जाए ये कबेर मूला करियो हे मामूजी से बाबूजी। आनंद रहियो आनंद रहियो। कहिए मामूजी उड़ियल किला के समाचार तो ठीक ठाक है? उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। कोई प्रकार की तकलीफ तो नहीं? नहीं कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इससे पहले जब हम तुमको बुलाते थे, जब मेरे सामने आती थी, तो तुम्हारे चेहरा पर हंसी खुशी। लेकिन आज देखते हैं तुम्हारी
चेहरा मायूस बना हुआ है, क्या मोहबा किला का समाचार अच्छा है या नहीं? क्या बिछड़ा हुआ सोबो को याद करते हैं आप? क्या बात है, मोहबा किला की समाचार क्या अच्छा रहेगा, मोहबी किला तो अब उधर गया। मामू जी हाँ, मत पूछिए उसके बारे में, कौन कहाँ है कोई मालूम नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर बात क्या, कौन ऐसे देश का छत्री मोगल पठान मोहबा किला राज पर नजर उठा करके देखा है? उस हरमजादे का नाम बोले हम उसका आंख निकाल करके गड्ढे में फेंक दें। ऐसा कोई माइकी लाल अगर छतरी आंख तक कहता तो मेरे देवर सबसे पहले उसकी आंख निकाल कर वो काजल बना लेता। कोई छतरी अगर नौजवान बात बोलता सोना रानी उसकी जुबान काट कर गड्ढे में डाल देती। आखिर बात क्या है? ऐसा दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है कि संसार में जोगी महात्मा पर से विश्वास उठ गया है। एक समय की बात है मामू जी, राजमोहबी में एक महात्मा आया, राम राम की रटना लगाकर वो नाशनी लगाकर बैठ गए। मैंने माल से निकलकर उसे भिक्षा देने के लिए आई, उन्होंने कहा भूख बड़ी जोर से लगा है, तुम भोजन करा सकती हो? मैंने कहा हाँ बाबा, मेरे दरबार से कोई भूखा नहीं जाता है और बिगर भीख लिए भी नहीं जाता है। मैंने उसे प्यार से भोजन आगे में दिया और मैं कहने लगी कि भोजन सुधारिए बाबा, स्थान ग्रहण कीजिए बाबा। उन्हें उठकर खड़े हो गए और मुझसे यही कहा कि रानी तुम जो सोचती हो मैं अरी गोरी बाबा जी नहीं हूं कि तुम्हारे यहाँ ऐसे भोजन कर लूं। अच्छा, मैंने कही बाबा क्या सेवा करूं, अर्घ सेवा में कुछ कमी है तो बोलिए। उन्हें कहा जब तक तुम सत नहीं करेगी तब तक तुम्हारे दरबार में भोजन नहीं करूंगी। कौन महात्मा बोला? नाम सत के नाम सुनकर मेरे आत्मा में बिजली छिटक गई, कलेजा कांप उठा। मैंने हाथ जोड़ कर विनती करने लगी उससे की सारी संपत्ति जितना दौलत था ले लीजिए, लेकिन मुझे नहीं बख्शा। उन्हें अपनी साधु की श्राफती में मुझे फंसा कर मुझसे सत करवा लिया। मैंने उससे सत कर लिया, सत जैसे कि मैंने कही बाबा बोलिए आप क्या भोजन कीजिएगा। एकाएक कहता कि मैं ये भोजन नहीं करूंगा जब तक तुम अपने जेवर की कोर कलेजी नहीं निकाल कर दोगी। संत महात्मा बोले, चक्कर काट के मैंने गिर गई। मैंने कही क्या दुश्मनी मेरे जेवर से तुमको, जितनी बड़ी सवाल मुझसे जितनी बड़ी धोखा किया कि सत करा के। उसके बाद मैंने अपने स्वामीनाथ से सत करा कर देवर को हत्या करवा दिया। देवर की हत्या होने के बावजूद स्वामीनाथ ने मेरे देवर की कुरकरेजी लेकर मुझे थमा दिया, कब्ज कुंडल खोल के फेंक के दरबार से रवाना हो गया कि मैं अपने भाई के बगैर नहीं रहूंगा। हम नहीं जाने वो कहाँ है, नदी में डूब के मर गया कि रेल में कट गया कि कहीं चार खा के मर गया, कोई पता मुझे नहीं है मामू जी। ये तो बहुत जुल्म की बात है, रुदल सिंह को हत्या कर दिया मामू जी, और फिर उनके पीछे पीछे आला सिंह भी अपने कवच कुंडल खोल करके चला गया, अपने भाई की गम में चला गया। मेरा भाई जब संसार में नहीं रहा तो मैं क्यों रहूंगी। ये तो भारी जुल्म की बात है। दुल्हन खैर कोई बात नहीं, अरे जो होने का था वो तो हो गए, अब उसके पीछे माथा लड़ाना कोई अच्छी बात नहीं। ठीक है, तुम इसके लिए टेंशन मत लो, अल्लाह सिंह भी चला गया भाई को ढूंढने के लिए, चाहे उसके गम में वो भी मोहबा किला राज को छोड़ करके चला गया है, इस मोहबा किला राज में आज से मेरा ड्यूटी रहेगा। कोई माँ का लाल छत्री वीर बलवान कोई मोहबा किला राज में लात नहीं रख सकता। जय जय देवा।
समाचार बुझने के लिए, एक काम तो मेरा ही, लेकिन एक समय की बात है, वही रुदल सिंह ने अग्नि सिंह राजा का अग्नि कुंड जाकर के उसके पास काबुली घोड़ी थी और उसके घोड़ी को बाय जबरदस्ती रुदल सिंह ने उठा करके मोहबा किला ले आया था, जिसके ऊपर हमारे बड़ी दुल्हन को इतना बड़ा गौरव हो गई थी, इतना बड़ा गौरव हो गई थी कि ये समझती थी कि जो कुछ हूं मैं हूं। अब मैं यहां से चलता हूं अग्नि कुंड अग्नि सिंह राजा के पास। जैसे काबुली घोड़ी को चुरा करके रुदल सिंह मोहबा किला राज का शोभा बढ़ाया था, उसी तरह आज बड़ी दुल्हन का डोला उठवा करके हम अग्नि कुंड नहीं पहुंचवा दूं तो फिर मेरा नाम किया है यौ बाबू किया
राजा को इस दरबार में नहीं देख रहा, ठीक है आवाज लगाते हैं, अगर कहीं इधर उधर होगा तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। राजा या बा सुनियो यगनी के सारा यौदार, ये कबेर मूला करियो दारा ¡Gracias!